बठिंडा के संगत मंडी में नगर काउंसिल वार्ड नंबर एक काकरी कौर महिला कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को विजेता करार दे दिया। सर्प समिति से और नथाना में नगर पंचायत वार्ड नंबर 10 की उपचुनाव में कांग्रेस और अकाली दल के बीच कड़ा मुकाबला चल रहा है। पुलिस की तरफ से सुरक्षा के पुख्ता पर बंदोबस्त किए गए हैं। यह जानकारी SDM मैडम ने मीडिया कर्मियों को दी। SDM मैडम ने बताया कि आज बठिंडा के दो जगह पर उपचुनाव हो रहे हैं। संगत मंडी उपचुनाव में सर्वसहमति के साथ बगैर चुनाव किए ही कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार काकरी देवी को विजेता करार दे दिया गया और दूसरी तरफ बठिंडा के नाथाना में नगर पंचायत के चुनाव चल रहे हैं, जिसमें कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार पूर्ण सिंह और अकाली दल पार्टी के उम्मीदवार गुरजंत सिंह इन दोनों के बीच मुकाबला चल रहा है और शाम तक इनका भी आज ही रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। रही बात सुरक्षा के प्रबंधों की, तो वह पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार पूरन सिंह ने कहा कि मेरे पिताजी 2017 की में मौत हो गई थी, जिसकी वजह से आज यह चुनाव हो रहे हैं और उनकी जगह पर मुझे कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। अगर मैं जीत गया तो अपने वार्ड में तन मन धन से विकास करूंगा और मेरा मुकाबला अकाली दल के उम्मीदवार तय हैं। उधर अकाली दल के उम्मीदवार गुरजंत सिंह ने बताया कि मेरे को यह सीट अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने दी है और मेरा मुकाबला कौन सी पार्टी के उम्मीदवार के साथ है। अगर मैं भी जीत गया तो अपने वार्ड में नालियां पक्की, सड़कें पक्की और अपने वार्ड में विकास की झड़ी लगा दूंगा। बठिंडा में आज उपचुनाव शांतिपूर्वक ढंग से चले, दोनों जगह पर किसी किस्म की थी गड़बड़ी देखने को नहीं मिली। पुलिस ने अपनी तरफ से पुख्ता बंदोबस्त किए हुए थे। बठिंडा से कुणाल बंसल, आजाद TV न्यूज़। ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ? ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਆ ਜੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਬਹੁਤ ਮਿਲੀ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਸਹਿਯੋਗ ਤਾਂ। ਅੱਛਾ, ਜਿੱਤ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੇ? ਜਿੱਤ ਕੇ ਜੀ ਜੋ ਕੰਮ ਹੋਊਗਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਊਗਾ। ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਠੀਕ। ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੈ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਐਜ਼ ਆਫ ਨਾਓ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੀਸਫੁਲ ਹੈ। ਮੈਡਮ, ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਸੰਗਤ ਮੰਡੀ ਲੇਡੀ ਜਿੱਤੀ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਸੀ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ? ਉਹ INC ਦੇ ਸੀਗੇ। INC ਦੇ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਿੰਨੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਮੈਡਮ, ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਜੀ ਇੱਥੇ? ਐਜ਼ ਆਫ ਨਾਓ 62% ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਦੱਸੋ ਕੀ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡਾ? ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ। ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਲੜਿਆ, ਜੋ 10 ਨੰਬਰ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਟ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਉਣਗੇ।